नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं पीएमई विद्या चैनल, चैनल नंबर 10 और हमारा एनसीईआरटी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आई एम रेणु भट्ट विद यू ऑल एंड डियर लर्नर्स, हम इस सेशन में बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी पार्ट टू के ऊपर, यानी कि पार्ट वन के बारे में हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, आप काफ़ी कुछ जान और सीख गए हैं और इसके आगे हम आज चर्चा करेंगे इस सेशन में। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी हो, मैथ्स के 10th क्लास के स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है ये टॉपिक, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो, तो आप अपने सवाल हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमारा टेलीफोन नंबर है 8800440559 और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है dth.class10@cit.nic.in एंड इफ़ यू हैव जॉइंड अस थ्रू आर यूट्यूब चैनल, गो टू द लाइव चैट बॉक्स एंड ड्रॉप योर कमेंट आउट देम। आप इन तीनों वेज से और इन तीनों माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, आपके सवाल हम तक पहुंच सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ है, लेट्स मीट आर एक्सपर्ट। यू आर मिस सविता ग्राक, टीचर इन गीता निकेतन आवासीय विद्यालय, सालारपुर रोड, कुरुक्षेत्र। वेरी वार्म वेलकम मैम। नमस्कार एंड थैंक यू। और मैम, जैसे हमने अपने सभी लर्नर को बताया कि हमारे जो बच्चे हैं वो प्रोबेबिलिटी पार्ट सेकंड पे आज सेशन सुनने वाले हैं। मैम, वी विल स्टार्ट विद द सेशन कि पिछले जो यानी कि पार्ट वन में क्या हुआ, आप उसके ब्रीफ रिकैप से आप शुरू करें। यस रेनू, बिल्कुल। तो हम पहले डिस्कस करेंगे पार्ट वन में हमने जो जो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड टर्म्स यूज की, उन टर्म्स की, एंड देन वी विल प्रोसीड अहेड। पार्ट वन में हमने डिस्कस किया था वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी एंड सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। सो आज हम वो फैक्ट्स को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे और आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सो दैट हमारे व्यूअर्स को प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कैसे करना है फॉर गिवन सिचुएशन वो अच्छे से समझ आ पाए। तो शुरू करते हैं डिस्कस करना। पार्ट वन में हमने डिस्कस किया व्हाट डू वी मीन बाय एन इवेंट, किसी भी इवेंट को हम कैसे पहचान सकते हैं। व्हाट इज एन एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जांपल, जब हम लूडो खेलते हैं तो वी टेक द डाई और हम उसे टॉस करते हैं, तो बिफोर गेटिंग द रिक्वायर्ड रिजल्ट हमें नहीं पता कि हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 या 6 में से कौन सी पर्टिकुलर वैल्यू आने वाली है, तो उसे हम बोलेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। Then we have discussed that what do we mean by the probability of calculating and what is the probability of happening of an event. So, अगर किसी random experiment में exhaustive cases n है हमारे पास, exhaustive cases को भी हमने discuss किया था that all of the possible outcomes are known as exhaustive cases. अगर हमारे पास die toss करते हैं तो total 6 possible outcomes हैं, यानी कि 6 एग्जॉस्टिव केसेस में। एंड देन फेवरेबल केसेस, फेवरेबल केसेस मींस दोस केसेस जिनकी फेवर में हमने डिस्कस करना है या हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फॉर एग्जांपल, डाई के केस में ही हमने डिस्कस किया दैट दिस पर्टिकुलर सेट इज रिप्रेजेंटिंग द सैंपल स्पेस एंड देयर आर टोटल 6 एग्जॉस्टिव केसेस। लेकिन अगर हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है of getting an even number, तो even number calculate करने की probability निकालने से पहले let us see कि favorable cases कौन कौन से होंगे। Only the even numbers means there are total 3 favorable outcomes or 3 favorable cases. Now what do we mean by the probability of happening the same event? Probability निकालने के लिए we have discussed that it is simply that if favorable cases are m and exhaustive cases are n, then the probability is m upon n. The probability will be m upon n. जैसे हम यहाँ बात कर रहे थे, find the probability of getting an even number on the toss of a single die. So what will be that? That will be 3 divided by exhaustive cases. That means 1/2. इसी तरह से अगर odd number calculate करने की probability हमें निकालनी है, that will also be 1/2 because there are 3 odd numbers, 1, 3 and 5 here. हम discuss करते हैं कुछ एक important statements and these are very very important. Dear viewers, the very first statement is the sum of probabilities of all of the elementary events of an experiment is always 1. जैसे अभी हमने बात की थी, डाई का ही एग्जांपल लेते हुए चलते हैं,
सिंगल डाइट टॉस करने पर आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये 6 पॉसिबल केसेस हो सकते हैं. वी हैव डिस्कस्ड कि इनमें से इवन नंबर्स कितने होंगे. 2, 4, 6 इवन नंबर कैलकुलेट करने की प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट की 1/2. इसी तरह से ओड नंबर्स कौन कौन से हैं. द रिमेनिंग 1, 3, 5 या 1, 3, 5 एग्जैक्ट. सो द प्रोबेबिलिटी विल अगेन बी 3/6 दैट मीन्स इट इज अगेन 1/2. सो दीज आर टू एलिमेंट्री इवेंट्स और इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो वापस क्या बन जाता है हमारा एग्जॉस्टिव केसेस का कंप्लीट सैंपल स्पेस तैयार हो जाता है. तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होगा. दैट विल बी 1/2 + 1. सो सेम हैज बीन मेंशनड हियर द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स विल बी 1. देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नल इवेंट इट इज 0. नल इवेंट मीन्स जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है. जैसे हम बात करें यहीं पर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 7. तो डियर व्यूअर्स एंड रेनु जी, 7 तो होता ही नहीं है डाई के किसी भी फेस पर. तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. दैट विल बी 0. देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट. श्योर इवेंट मीन्स द इवेंट विच विल डेफिनेटली हैपन. तो कोई भी श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा होगी 1, एग्जैक्टली 1. फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कैसे इवेंट की इन विच आई एम गेटिंग अ नंबर लेस देन 7. तो लेस देन 7 का मतलब हुआ ऑल द 6 पॉसिबल आउटकम्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी एग्जैक्टली 6/6 और वी कैन से 1. इसके बाद बात करते हैं इफ ई इज एनी इवेंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्यूअर्स को डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी किस वैल्यू से किस वैल्यू के बीच एग्जिस्ट करती है इंक्लूडिंग बोथ ऑफ दोज वैल्यूज. तो ये वैल्यूज हैं 0 एंड 1. किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती और 1 से बड़ी नहीं होती. गॉट इट. कहने का मतलब ये है कि इफ वी वॉन्ट टू राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ m अपॉन n, देन दिस m विल ऑलवेज बी लेस देन n और इट कैन बी इक्वल्स टू n. फेवरेबल केसेस टोटल पॉसिबल केसेस से ज्यादा नहीं हो सकते. एंड एट लास्ट जो हम स्टेप डिस्कस कर रहे हैं इट इज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट एंड ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ द सेम इवेंट. अभी बारिश हो सकती है या तो होगी या तो नहीं होगी. इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज का जो सम है वो हमेशा होता है 1. राइट. तो अब हम डिस्कस करते हैं एक तरह से कार्ड्स और डाई के बारे में थोड़ा सा डेप्थ से हम पढ़ेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अ फ्यू क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉइन्स. सी अगर हम एक सिंगल कॉइन टॉस करते हैं ओनली एंड ओनली 1 कॉइन, तो 1 कॉइन टॉस करने पर जो सैंपल स्पेस तैयार होगा वो क्या होगा. हेड एंड टेल. या तो हेड आ सकता है एक कॉइन टॉस करने पर या तो टेल आ सकता है. तो यहाँ पर एग्जॉस्टिव केसेस कितने हुए. दीज आर 2 और वी कैन से 2 raised to the power 1. हेड टेल. इसी तरह से इफ वी आर टॉसिंग 2 कॉइन्स. सो 2 कॉइन्स टॉस करने पर सैंपल स्पेस क्या तैयार होगा. लेट अस सी. दिस इज द फर्स्ट कॉइन और हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड कॉइन दोनों के लिए. फर्स्ट कॉइन पर हेड आ सकता है और टेल भी आ सकता है. सेकेंड कॉइन पर भी हेड आ सकता है और टेल भी आ सकता है. दीज आर 2 डिफरेंट कॉइन्स. तो क्या क्या पॉसिबल केसेस होंगे इफ यू आर टॉसिंग देम टूगेदर. फर्स्ट कॉइन पर भी हेड या जिसमें प्रोबेबिलिटी काफ़ी हो सकती है कि दोनों में ही हेड आए या फिर दोनों में ही टेल्स आए और आइदर एक में हेड आए और एक में टेल्स आए. दैट्स ग्रेट. दोनों पर हेड आ सकते हैं, दोनों कॉइन्स पर टेल आ सकते हैं और एक पर हेड और एक पर टेल आ सकता है. तो जब हम बात करते हैं एक कॉइन पर हेड और दूसरे कॉइन पर टेल की, यहाँ इंपॉर्टेंट थिंग ये हो जाती है कि दीज विल बी 2 केसेस नॉट अ सिंगल केस. फर्स्ट केस के फर्स्ट कॉइन पर हेड सेकेंड पर टेल एंड सेकेंड केस इज अपोजिट टू दिस. फर्स्ट कॉइन पर टेल एंड सेकेंड पर हेड. तो दीज 2 आर 2 डिफरेंट केसेस. यानी कि फिर टोटल पॉसिबल केसेस कितने हुए और एग्जॉस्टेड केसेस कितने हुए. 4, 1, 2, 3 एंड 4.
और 4 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2 स्क्वायर. सिमिलरली अगर हम बहुत सारे कॉइन्स टॉस करते हैं, लेट मी टेल, अगर हम 3 कॉइन्स टॉस करेंगे तो टोटल एग्जॉस्टिव केसेस जो बनेंगे, देखिए यहाँ पर जब 1 कॉइन टॉस किया तो 2 रेज द पावर 1 था, 2 कॉइन्स टॉस करने पर इट इज 2 रेज द पावर 2, तो 3 कॉइन्स टॉस करने पर क्या हो जाएंगे टोटल केसेस? 3. दैट मींस देयर विल बी टोटल 8 केसेस. और उन 8 केसेस को अगर हम सैंपल स्पेस में सेट करना चाहते हैं तो सिंपली हम क्या करते हैं, पहले हम 2 कॉइन्स के लिए ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं. सी, ये 8 केसेस को लिखना कई बार व्यूअर्स के लिए डिफिकल्ट हो जाता है, तो उसको थोड़ा सा इजी वे में करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, आई एम राइटिंग द केसेस विच वी आर ऑब्टेनिंग फॉर टॉसिंग 2 कॉइन्स ट्वाइस, 2 बार लिख दिया. अब 2 कॉइन्स टॉस करने के केसेस सारे हो गए, थर्ड कॉइन टॉस करने पर हो सकता है उस थर्ड कॉइन पर हेड आए, तो वी आर टेकिंग हेड अलोंग दीज 4 केसेस एंड देन हो सकता है टेल आए, तो दीज आर द रिमेनिंग 4 केसेस. तो टोटल केसेस कितने हो गए हमारे पास, दीज आर टोटल 8 केसेस. दीज केसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. अभी हम कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे तो व्यूअर्स को कॉन्सेप्ट और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा. अब क्या होता है कि कई बार हमें एग्जामिनर पूछ लेता है कि n कॉइन्स हमने टॉस किए और लेट मी से 5 कॉइन्स टॉस किए और 7 कॉइन्स टॉस किए, तो हाउ मेनी टोटल पॉसिबल केसेस विल बी देयर. तो उसके लिए एक फॉर्मूला यहाँ पर डेवलप हो रहा है, व्हाट दैट इज, वी कैन राइट इट एज टोटल पॉसिबल केसेस, वी कैन राइट इट एज एग्जॉस्टिव केसेस, वी कैन राइट इट एज पॉसिबल आउटकम्स. सो दीज विल बी 2 रेज टू द पावर n. जितने कॉइन टॉस किए n की वैल्यू सेम हम पुट कर देंगे तो फाइनल आंसर इज 2 रेज द पावर n. सिमिलरली कॉइन्स की तरह ही डिस्कस करेंगे हम डाइस को. डियर व्यूअर्स, डाइस इज द प्लूरल ऑफ द वर्ड डाई. इफ देयर इज अ सिंगल डाई दैट इज नॉन एज डाई, अदरवाइज डाइस. सो सिंगल डाई के लिए अभी हमने डिस्कस किया था, देयर आर टोटल 6 केसेस एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स कैन बी रिटन एज 6 रेज टू द पावर 1. तो अभी हमें क्लू मिल गया होगा कि 2 डाइस के लिए टोटल एग्जॉस्टिव केसेस कितने होंगे, दिस विल बी 6 स्क्वायर, दैट मींस 36. एंड व्हाट दिस 36 केसेस आर, देखिए फर्स्ट डाई पर हो सकता है 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आए, सिमिलरली सेकेंड डाई पर भी 1 2 3 4 5 6. अब ये 36 केसेस कैसे हुए दोनों को इकट्ठे टॉस करने पर? Yes, that is, first die पर सिर्फ 1 हम सोचते हैं, तो 1 के साथ हो सकता है second die पर 1 आए, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6. तो हो गई total 6 cases, starting from 1, 1, 1, 2, 1, 3, up to 1, 6. इसी तरह से there is a possibility कि first die पर the element 2 आ रहा है और second die पर वही 6 cases will be repeating. That means 2-1, 2-2, up to 2-6. Similarly, 3-1, 3-2, up to 3-6. So, total cases kitne ho gaye? 36. Ab in 36 cases se related bhi questions bahut interesting way mein examiner hame pooch sakta hai. The examiner can ask, find the probability of getting two numbers whose sum is 12. To 12 sum wala yahan par ek hi case hai. That case is 6-6. एंड लेट अस डिस्कस नाउ कि अगर n डाइस टॉस करते हैं सो एग्जॉस्टिव केसेस, नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस विल बी 6 रेज टू द पावर n. इफ वी आर टॉसिंग 3 डाइस तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, दिस विल बी 6 क्यूब और वी कैन रीराइट इट एज 216 केसेस टोटल हो जाएंगे 3 डाइस टॉस करते पर. तो अभी हमने डिस्कस किया कार्ड्स के बारे में, नॉट कार्ड्स, कॉइन के बारे में, डाइस के बारे में, एंड वेरी सून वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट कार्ड्स, बट बिफोर दैट लेट अस डिस्कस अ फ्यू क्वेश्चंस. दिस इज अ क्वेश्चन, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ एन अनबायस्ड डाई फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 4. ओके, ओनली 1 डाई हैज बीन टॉस्ड, सो दीज आर द 6 केसेस. आई हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 4.
दैट विल बी वन नंबर ओनली, सो द प्रोबेबिलिटी विल बी वन अपॉन सिक्स. सिमिलरली द नंबर अदर देन थ्री, हमें भी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है एक ऐसा नंबर आने की जो थ्री ना हो पर कुछ भी हो. कुछ भी हो मीन्स दैट कैन बी वन टू फोर फाइव और सिक्स. तो हमारे फेवरेबल केसेस कितने हो गए, फाइव, एंड द प्रोबेबिलिटी विल बी फाइव अपॉन सिक्स. तो फेवरेबल केसेस हम उसे बोलते हैं जिसके फेवर में हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी. ओके व्यूअर्स, तो अब डिस्कस करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, दैट इज 1/2. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन फाइव. एक डाई पर लेस देन फाइव कितने नंबर्स हैं? फोर. यस, वन टू फोर, दैट मीन्स फोर, टोटल फोर इन काउंटिंग, यू आर राइट. सो द प्रोबेबिलिटी इज टू अपॉन थ्री. देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर. देयर इज अ वर्ड ओ. द नंबर कैन बी इवन नंबर और अ मल्टीपल ऑफ थ्री. मीन्स टू कंडीशंस हैव बीन गिवन टू अस, टू फेवरेबल केसेस हैव बीन गिवन टू अस. सो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने होंगे? इवन नंबर, वी नो देयर आर टोटल थ्री इवन नंबर्स. देन मल्टीपल ऑफ थ्री, यानी थ्री से डिविजिबल होना चाहिए नंबर. सो दीज आर थ्री एंड सिक्स, बट वी कैनॉट राइट सिक्स ट्वाइस, क्योंकि सिक्स एक सिंगल एलिमेंट है, उसे हम एक ही बार लिखेंगे, एक ही बार काउंट करेंगे. सो टोटल फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास हुए फोर, एंड द प्रोबेबिलिटी इज फोर अपॉन सिक्स. ठीक, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, बट इस क्वेश्चन में जो वर्ड यूज किया, लेट अस हाईलाइट इट, दिस इज एंड, इन प्लेस ऑफ ओ वी आर यूजिंग एंड. तो एंड वर्ड जब आ जाएगा, टू कंडीशंस आर गिवन एंड एंड इज रिटन देयर, मींस बोथ ऑफ द कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड बाय द रिजल्टिंग नंबर. द नंबर मस्ट बी इवन, द नंबर मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ थ्री. तो वन टू सिक्स में ऐसे कितने नंबर्स हैं जो थ्री के टेबल पर भी आ रहे हैं और इवन भी हैं? ओनली सिक्स. जैसे टू इवन है बट थ्री से डिविजिबल नहीं, फोर इवन है बट थ्री से डिविजिबल नहीं, सिक्स अकेला ऐसा नंबर है जो दोनों ही कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है. इसलिए आपका आंसर होगा ओनली दैट वन नंबर, सिक्स. इसलिए फेवरेबल केस हुआ वन डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल केसेस, वन बाय सिक्स. अभी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट रिलेटेड टू द कॉइन्स. टू अनबायस्ड, तो ये अनबायस्ड वर्ड का मीनिंग हमने सेशन वन में बहुत अच्छे से समझा था. जो कॉइन बायस्ड ना हो, ऐसा ना हो टॉस करने पर हर बार हेड आ रहा है, तो दैट इज अ बायस्ड कॉइन. हमें नहीं पता, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली टू हेड. तो एक बार सैंपल स्पेस हम फिर से लिख लेते हैं. टू कॉइन्स टॉस करने पर टोटल ये फोर पॉसिबल आउटकम्स रहेंगे. Exactly two heads. ऐसे कितने केसेस हैं जिनमें दोनों ही कॉइंस पर हेड आए? मैम ओनली वन. या जी. तो अगर हम इस इवेंट के हैपन होने को इवेंट ई एज्यूम कर लेते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई? इट इज वन डिवाइडेड बाय फोर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड पार्ट, एग्जैक्टली वन हेड. सो लेट अस सी ऐसे कितने केसेस हैं. Let us suppose this event to be event F, जो काम happen हो रहा है उसको हमने event F का name दिया. Exactly one head आने की probability. So exactly one means हो सकता है first coin पर head आए, हो सकता है second coin पर head आए. There are two favorable cases. So the probability will be 2/4, or you can say 1/2. Similarly, next is at most and next is at least. यहाँ पर बहुत ज्यादा कुछ एक स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, वो एट मोस्ट वर्ड को ट्रीट करते हैं एज मोर देन. लेकिन मोर देन का मतलब हुआ उस वैल्यू से ज्यादा, लेकिन एट मोस्ट मीन्स वेदर दैट वैल्यू और लेसर देन दैट वैल्यू. ओके, फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट को उसके टीचर ने बोला, बेटा गो टू द ऑफिस एंड ब्रिंग एट मोस्ट टू चॉक्स. ज्यादा से ज्यादा दो लाने हैं. द स्टूडेंट विल नॉट ब्रिंग थ्री और फोर और फाइव. तो एट मोस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम मोर देन. अगर टीचर बोलते मोर देन टू चॉक्स आप लेकर आओगे, तो स्टूडेंट कैन ब्रिंग थ्री फोर और फुल बॉक्स ही और शी कैन. तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से मिनिमम. जी बिल्कुल.
ओके हम ये बोल सकते हैं लेस देन दिस और इक्वल टू दिस। इसके लिए बच्चे एक सिंबल अपने आप से बना सकते हैं कि इक्वल टू द गिवन वैल्यू और लेस देन दैट। ऐसे ही अगर एटलीस्ट वर्ड यूज होता है तो क्या होगा, इक्वल टू दैट वैल्यू और मोर देन दैट। ओके तो एट मोस्ट वन हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए। तो ये केस तो इस केस में काउंट अब नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर टू हेड्स आ गए। हम या तो वो केसेस लेंगे जहां एक भी हेड नहीं है या वो दोनों ही केसेस लेंगे जहां पर वन हेड। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, थ्री केसेस हो गए हमारी फेवर में, 3/4। ऐसे ही एटलीस्ट वन हेड के केस में कौन कौन से केसेस काउंट होंगे, वन हेड वाले या तो टू हेड्स वाले एटलीस्ट, सो दैट विल बी 3/4 अगेन। आंसर इज सेम बट द केसेस आर डिफरेंट। स्टिल देयर आर सम कॉमन केसेस, वन हेड वाले दोनों केसेस कॉमन है, बट हमें कॉन्सेप्ट को समझना है, जो क्वेश्चन दिया है उसको समझते हुए चलना है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू द रियल लाइफ। मोहित बायज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। द शॉपकीपर टेक्स आउट वन फिश एट रेंडम। उसने कोई भी फिश ऐसे ही रेंडमली सिलेक्ट की और मोहित को जो है वो उसको फिश को हैंड ओवर कर दी। ओके फ्रॉम द टैंक। अब जो टैंक था उस टैंक के अंदर टोटल 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश थी, यानी कि टोटल कितने फिश थे, इट्स 13। यस 13। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, चेक नहीं किया शॉपकीपर ने मेल है या फीमेल है, उसने एक फिश रैंडमली दे दी। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट द फिश इज अ मेल फिश। तो क्या होगी, कितने कितने केसेस हैं इसके फेवर में कि हाँ मोहित इज रिसीविंग अ मेल फिश। देयर आर टोटल 5 फेवरेबल केसेस क्योंकि मेल फिश 5 हैं, उन्हीं 5 में से कोई भी एक फिश उसे मिलने वाली। वी विल नॉट थिंक कि क्योंकि उसने वन फिश लेनी है तो वन फेवरेबल केस है। फेवरेबल केस मीन्स ऑल द केसेस जिनमें से कोई एक सेलेक्ट हो। सो देयर आर 5 केसेस फेवरेबल और उसके लिए प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी, प्रोबेबिलिटी विल बी फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स 5/13। सो यू कैन क्लियरली सी कि यहां पर जो आंसर है दैट इज लेस देन 1। जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम होता है आंसर हमेशा 1 से छोटा होता है। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 एंड 1 के बीच में एग्जिस्ट करती है, इंक्लूडिंग 0 एंड 1। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज अ बॉक्स कंटेन्स 17 कार्ड्स नंबर्ड 1, 2, 3 अप टू 17। हर कार्ड पर 1-1 नंबर लिखा है, 1 कार्ड पर नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरह से। दीज आर मिक्स थोरोली, हमें नहीं पता, हम देख नहीं सकते कौन से कार्ड पर कौन सा है, रेंडमली सिलेक्ट करना है बिना जाने कि कौन सा कार्ड हम निकाल रहे हैं। वी हैव टू फाइंड आउट कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज, जो कार्ड हमने रेंडमली ड्रॉ किया है उस पर जो नंबर है दैट इज प्राइम। तो यहाँ पर हमारी प्रीवियस नॉलेज यूज हो रही है, प्राइम नंबर 1 to 17 में कितने नंबर प्राइम है, 2, 3, 5 means all the numbers which are divisible by themselves or 1, जिनके दो ही factors हैं। तो 9 नहीं आ सकता क्योंकि 9 3 के table पर भी आता है, 11, 13, 15 cannot be there, 14 cannot be there, 17 will be the number. So favorable outcomes कितने हुए, 7, और prime number calculate करने की probability हमारे पास हो गई 7/17। Then The number should be divisible by 3 and 2 both. अब यहाँ पर 3 and 2, then 3 or 2. ये दो parts given है. पहले 3 and 2 both. Let us discuss the third part first. वो सभी numbers लिख लेते हैं जो 1 to 17 के बीच में हैं और 3 से divisible है. These are 3, 6, 9, 12, 15. क्योंकि हमें पता है when or is written, तो हमें दोनों ही cases, दोनों ही events से related केसेस जो है वो काउंट करने हैं। देन डिविजिबल बाय 2, 1 टू 17 के बीच में 2, 4, 6 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, देन 8, 10, 12 हैज ऑलरेडी बीन रिटन हियर, देन 14 एंड 16।
यानी ये सभी नंबर जो हैं ये फेवर में काउंट होंगे और प्रोबेबिलिटी हमारे व्यूअर्स को कैलकुलेट करनी आ गई है, दे कैन कैलकुलेट इट. अब हम डिस्कस करते हैं टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 3 एंड 2 बोथ. तो इन सब में से देख लेते हैं वो. Ma'am, here now I want to tell you that we have only 4 minutes more to wrap up this session, ma'am. Ji, Renu ji, these are sufficient for our viewers to understand the concept too. So it is the numbers which are divisible by 3 and 2 both. These are 6, 12 और 17 तक और एक भी नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों से ही divisible हो. तो 2 ही favorable cases हुए and our probability is 2 upon 17. अभी मैंने बात की थी कि वी विल ऑल्सो डिस्कस द कार्ड थ्योरी. कार्ड द प्लेइंग कार्ड्स. प्लेइंग कार्ड्स हमें पता है टोटल कितने होते हैं, दीज आर 52. जो खेलते हैं या जिनके आसपास कोई भी कार्ड्स खेलते हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता है. अदरवाइज लेट अस सी कि आउट ऑफ दीज 52 रेड कार्ड्स आर 26 एंड ब्लैक कार्ड्स आर ऑल्सो 26. फर्दर इन 26 को भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं. व्हाट दिस कैटेगराइजेशन इज, आउट ऑफ रेड कार्ड्स देर आर सम कार्ड्स 13 कार्ड्स विच आर नॉन एज हार्ड कार्ड्स एंड रिमेनिंग 13 आर डायमंड. इसी तरह से ब्लैक कार्ड्स में से भी 13 कार्ड्स आर क्लब एंड रिमेनिंग 13 कार्ड्स आर स्पेड. फर्दर इन 13 को भी कैटेगराइज हम करेंगे. हमने अगर कभी खेला भी नहीं है कार्ड्स तब भी गेम्स में या टीवी में या किसी मूवी में ऐसा सुना होगा आई हैव द 3 किंग कार्ड्स, मेरे पास तीनों बादशाह हैं तो आई एम द विनर. तभी अपोजिट पार्टी का पर्सन बोलता है आई हैव द 3 इक्कास और एसेस आई मस्ट पे तो आई एम द विनर. तो कहने का मतलब यह हुआ इन 13 की फर्दर जो कैटेगरी है इनमें से 1 कार्ड इज अ किंग कार्ड, 1 इज अ क्वीन कार्ड, देन चेक and one is ace. हो गए 4 cards and remaining होते हैं 2 to 10 जिन्हें हम बोलते हैं number cards. Same division होगा diamond, club and spade के cards का. And face cards की अगर हम बात करें, कई बार direct question होता है find the probability of getting a face card. तो total face cards होंगे जिन पर face बना होता है, यानी कि किंग, क्वीन, जैक. जी, ओके, यू आर राइट रेनू जी. एंड दीज आर 3 × 4, दैट मींस 12 कार्ड्स. एंड ओनर कार्ड्स मतलब जिनके आसपास पूरी गेम चलती है, तो आप इनमें चारों इक्को को भी मिला दोगे. सो ओनर कार्ड्स कितने हुए, दीज आर 60. अभी कार्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं. अ कार्ड इज ड्रॉन from a well-shuffled pack of 52 cards, find the probability of getting a king. और जो king है, that must be a king of hearts. तो heart में total कितने kings हैं? Only one. One. Therefore, probability will be 1 upon total number of cards. The card must be either a queen or a jack. तो हमें टोटली जो भी चार्ट हमने बनाया है इस चार्ट को ही सोचते हुए चलना है. बहुत ही ब्रीफ में हम आपसे जानना चाहेंगे मैम, एज वी आर रनिंग वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम. जी बिल्कुल. सो क्वीन कैलकुलेट करने की प्रोबेबिलिटी, क्वीन और जैक, 4 क्वींस 4 जैक, सो इट इज 8 upon 52. फेस कार्ड्स के लिए अभी हमने बात की थी 12 कार्ड्स होते हैं. और इसी तरह से अ कार्ड ऑफ अ स्पेड और एन एस, इस पार्ट को एक बार मैं डिस्कस करना चाहूंगी. देयर आर टोटल 13 स्पेड कार्ड्स एंड 4 एसेस, बट हम ध्यान करें इन 4 में से एक कार्ड ऐसा है जो ऑलरेडी स्पेड में काउंट हो चुका है. दैट मींस हम ये 4 नहीं, 3 कार्ड्स एक्स्ट्रा जो बच गए वो काउंट करेंगे एंड आर आंसर इज 16 upon 52. वी विल चेंज इट टू द लोएस्ट फॉर्म एंड द फाइनल आंसर विल बी देयर. आई वुड लाइक आवर व्यूअर्स टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन as today's homework, today's home task. Now the session is over from my side.
ओके, थैंक यू सो मच मैम आपके इस वैल्यूएबल सेशन के लिए। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि हमारे 10th स्टैंडर्ड के जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं उन्हें काफ़ी कुछ पता चला प्रोबेबिलिटी पार्ट सेकंड इस सेशन में, बिकॉज पार्ट वन वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आप काफ़ी कुछ आपसे सीख चुके हैं। और हम आशा करते हैं कि जब पार्ट थर्ड में आएंगे हमारे लर्नर्स तो काफ़ी कुछ और अपनी नॉलेज बढ़ा करके वो आपके साथ आएंगे। आपने अपना समय हमें दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच मैम। जी थैंक यू, थैंक यू रेनू जी। And dear learners, it's time for us to wrap up this session. और आप हमारे बने रहिए हमारे साथ यानी पी एम ए विद्या चैनल के साथ, क्योंकि बस एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद अपने एक और लाइव फोन इन प्रोग्राम के साथ हम हाजिर होंगे। आप बने रहिए क्योंकि आपका पार्टिसिपेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। धन्यवाद।